परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। हालांकि उन्होंने अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। जयपुर के अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, साथ ही भामाशाह और कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्राप्त राहत सामग्री प्रदान की गई। खाचरियावास ने शास्त्री नगर के टीबी अस्पताल, कांवटिया अस्पताल और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस दौरान मंत्री ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, स्ट्रीमर और अन्य राहत सामग्री अस्पतालों को भेंट की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन की आपूर्ति को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने, आइए दिखाते हैं आपको। मंत्री प्रताप सिंह आज अपना जन्मदिवस मना रहे हैं और अस्पतालों का दौरा भी किया है। आपने कांवटिया अस्पताल का भी दौरा किया है, टीबी अस्पताल का दौरा किया है, किस तरह की व्यवस्था है और ऑक्सीजन का? कांवटिया अस्पताल की तो अच्छी व्यवस्था है, नॉन कोविड हॉस्पिटल है। अभी टीबी हॉस्पिटल को हमने कोविड सेंटर बना दिया है। यह हमारी इच्छा थी कि कोविड सेंटर बने, हमारे लोगों की इच्छा थी। तो अब वो टीबी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज होगा और टीबी वाले मरीज यहाँ आ गए। ये नॉन कोविड है, लेकिन यहाँ भी हमने कंसंट्रेटर भी दिए हैं और मशीनें भी दी हैं, और भी मदद करेंगे। इस वक्त सबको मिलकर वार्ड लेवल पे काम करने की जरूरत है, वो काम शुरू हो गया और मुझे पक्की उम्मीद है इस जंग को हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। जन्मदिवस है और अस्पताल में आप लोगों की मदद करके मना रहे हैं, कैसा? देखिए, अस्पताल इस वक्त अस्पतालों में जाना, लोगों का उत्साह बढ़ाना जरूरी है। यदि हम आज उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है। वैक्सीनेशन का भी जायजा लिया है, अस्पताल दवाइयों का? वैक्सीनेशन का मैं इतना कह सकता हूँ कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत सरकार को वैक्सीनेशन की नीति बदलनी पड़ेगी। ना तो वैक्सीन उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना फ्री में दे पा रहे हैं। 6.5 करोड़ बाहर दे दी, इससे तो मेरी नाराजगी है। वैक्सीन के लिए तो पूरा मार्केट उनको खुला कर देना चाहिए। लोग वैक्सीन के लिए रोज आते हैं, 18 से 45 और तो इतना उत्साह है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। राजस्थान सरकार ने पैसे जमा करा दिए, वैक्सीन निजी अस्पतालों को लेकर लगातार शिकायत मिलती है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। मैंने कह दिया कि ये नोबल कॉज है, कोई भी निजी अस्पताल मरीज को बाहर नहीं निकाल सकता पैसों के अभाव में। उसको भर्ती करना उसकी जिम्मेदारी है, फर्स्ट एड देकर उसकी मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। यदि कोई अस्पताल यदि किसी मरीज की मदद नहीं करता है तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो आज अपना जन्मदिवस मना रहे हैं और अस्पतालों में जो है राहत सामग्री प्रदान की गई है, ये भामाशाहों के द्वारा जो प्रदान की गई थी। साथ ही मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस महामारी को हराया जा सके और कोरोना में लोगों को अधिक से अधिक मदद की जाए। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ हनुमंत सिंह चारण, A1 TV।